वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज निवेदिता। ये होने वाला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। मीशो एक ऐसा साइट है जो सस्ते से सस्ता सामान बेचता है और मैंने फर्स्ट टाइम मीशो से शॉपिंग करी है। मुझे मेरे फर्स्ट परचेजेस इतने अच्छे लगे कि मैंने रैंडम दो और शॉपिंग करी। रेड स्कर्ट, ये एक नेटेड फ्रिल स्कर्ट है, लॉन्ग मैक्सी स्कर्ट है। इसकी जो लाइनिंग है उसकी लेंथ भी फुल है, ऐसा नहीं है कि छोटा सा है, नीचे तक है, उसके बाद सारा नेट और आपके टांगे दिख रही है। आप कंफर्टेबल होंगे इसे पहन के। इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे, 322 रुपीज। इसकी जो बेल्ट है वो इलास्टिकेटेड है। ये थोड़े टाइम बाद हो सकता है कि ये लूज हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा पतला इलास्टिकेटेड और थोड़ा सा लूज भी है। मुझे रैंडमली सर्च करते हुए एक टू पैक्स का सेट दिखा, जो बेसिक कलर्स होते हैं वो है ब्लैक और व्हाइट। देखने में ये सलवार जैसा ही है, मैंने बहुत सोच समझ के ही इसे लिया है, क्योंकि इसका जो फैब्रिक है वो काफी अच्छा लगा और इसकी जो डिजाइन है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसको आप कैसे भी पहन सकते हो, तो मुझे ब्लैक का फैब्रिक की क्वालिटी ज्यादा अच्छी लगी एज कम्पेयर टू द व्हाइट वन। इन दोनों की फिट भी बहुत अच्छी है, मुझे बिल्कुल भी लूज या टाइट कहीं से भी फील नहीं हो रहा। आगे से ये स्ट्रिंग है जिसको आप पुल करके आप इसे खींच के अपने वेस्ट साइज बना सकते हो, बट मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी अगर आप एक्यूरेट साइज मंगाते हो। ये मैंने साइज एस मंगाया है, पीछे से इलास्टिकेटेड है। इसका जो फिट है, फैब्रिक है, जिस प्राइस पॉइंट में मुझे मिला है रेगुलर यूज के लिए काफी अच्छा है। मैंने ये ब्रश होल्डर मंगाया जिसकी कॉस्ट अराउंड 299 या 300 के करीब थी। मैं एक्चुअल प्राइस स्क्रीन में कहीं मेंशन कर दूंगी। इसमें तीन चीजें अलग अलग है, तो ऊपर का ये आप अलग कर सकते हो, बीच में ये जो होल्डर है, सेपरेटर है जिसे कहेंगे, वो भी आप अलग कर सकते हो, और इस तरह से एक बोल जैसा आपको बेस मिलेगा। उसके नीचे ये रोटेटेबल है, लीजी सूजन जैसे रोटेट करता है ये, बट थोड़ा सा फ्लेक्सिबल नहीं है, मैंने देखा इजीली रोटेट नहीं करता है जब इसमें ऑलरेडी वेट होता है। इसकी जो क्वालिटी है मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। मुझे लगता है इसका प्राइस पॉइंट होना चाहिए 250 या 200 के अराउंड, क्योंकि कंप्लीट ये प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन बहुत यूजफुल है। और मेकअप ब्रशेस ओपन में रखना बिल्कुल सेफ नहीं होता, डायरेक्ट डस्ट पड़ती है, तो इस तरह का मेकअप ब्रश होल्डर आपके पास होना चाहिए जिसमें ये लिड हो। और लिड की क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी, ये उस तरह का प्लास्टिक नहीं है कि नीचे गिरेगा तो टूट जाएगा, आप इसे इस तरह से बेंड कर रहे हो तो ये बेंड हो रहा है। सस्ते से सस्ता आपको होम डेकोर मिलेगा। फर्स्ट है ये मैक्रमे। मैक्रमे के जो वॉल हैंगिंग्स होते हैं वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और ये वाला जो वॉल हैंगिंग है वो मैंने मंगवाया सिर्फ 300 something रुपीज में। एंड इसकी जो साइज है वो काफी बड़ी है, आई एम सरप्राइज टू सी द साइज। मुझे लगा था कि ये कुछ छोटा सा होगा। जो लटक रहे हैं टैसल टाइप्स, ये भी काफी लॉन्ग है। एक कंप्लीट लुक के लिए आपको ऐसे दो या तीन लेने हैं और पूरा आपका वॉल डेकोर हो जाएगा। मैक्रमे ये भी काफी अच्छा है, अगर आपको कहीं से लगे ये खुल रहा है या डिजाइन खराब हो रहा है, सो एक्चुअली में वो पैकेजिंग में आता है इसीलिए होता है, तो आपको इसे हाथ से इस तरह से कर देना है सामने की तरफ और ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। वॉल पे लगाने के बाद इसको आपको इस तरह से कर देना है। इसे इस तरह से कार्डबोर्ड लगाया हुआ है। मुझे नहीं पता ये कितना सेफ है। जो सबसे फेमस था, ऑलमोस्ट हर मीशो हॉल में होम डेकोर के आप ये वाले पीसेस जरूर देखोगे। सो एक स्टार बना हुआ है, दूसरा है हाफ डी शेप मून। इसकी क्वालिटी और प्राइस पॉइंट, आई एम एब्सोल्युटली लविंग दिस। टैसल्स है, टैसल्स के डिजाइन अलग है, अदरवाइज दोनों ही बहुत सुंदर है। इन तीनों मैक्रमे डिजाइन को लेके आप एक कंप्लीट वॉल बना सकते हैं। वो है ये 3 पीस का गोल्डन लीफ डिजाइन, जो एक सर्कुलर डिजाइन है। ये आप अपने वॉल पे लगा सकते हो, चाहे सोफे के पीछे हो या बेड के पीछे, जिस तरह से भी आप लगाना चाहे वैसे लगा सकते हो, चाहे वो ऐसे लगाओ या ऐसे। तो आप तीनों को साथ में इस तरह से लगा सकते हैं और लगा के इसके आसपास भी कुछ लगा सकते हैं, कंप्लीटली ऑन यू। ये बहुत बड़ा नहीं है, अगर आपका वॉल स्पेस छोटा है तो ही आप इसे लगा सकते हो, अदरवाइज काफी ब्लैंक और खाली लगेगा। ये स्पून्स मुझे लगा जस्ट मंगा लेते हैं यार, क्या काम आएगा। लिटरली ये स्पून्स बहुत यूजफुल है बिकॉज ऑफ देयर हैंडल। ये जो हैंडल है ये काफी लंबा है। कभी नोटिस किया है कि शरबत वगैरह बनाते वक्त होता क्या, चम्मच अगर आप बड़ा लोगे तो उसका फेस भी बड़ा होता है, वो ग्लास के अंदर नहीं जाता, और अगर आपने छोटा ले लिया तो आपके उंगलियां उसमें पानी में जाता रहता है। ये एक कंफर्टेबल लाइक स्पून
स्पून्स है। अगर आप इसे शरबत बना रहे हो या रोटी पे घी लगा रहे हो, डब्बों में से अचार निकाल रहे हो, तो आई एम एब्सोल्युटली लविंग दिस। और मैं इसे ऑलमोस्ट 1.5-2 हफ्ते से यूज कर रही हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं चाहूंगी कि जो भी ये प्रोड्यूस कर रहे हैं इसे 2 और साइजेस में बनाएं, एक डब्बों में रखने के लिए जैसे चाय कॉफी चीनी में जो हम रखते हैं, और छोटे साइज के, इतने छोटे साइज के, और इसका फेस थोड़ा सा छोटा, सो दैट कि मसालों के डब्बों में भी हम रख सके। ये हर साइड में ये 200-250 के हैं, मैंने मीशो से लिया सिर्फ 150 रुपए में। एक फ्रूट बास्केट जो कि मेटल का हो, वो हैवी हो तो मैं काफी सारे फ्रूट्स रख पाऊं, सो ये वाला मैंने मेटल फ्रूट का बास्केट मंगाया। ये 400 something का इसका प्राइस है। आई एम एब्सोल्युटली लविंग दिस, लाइक मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि ये इतनी अच्छी और इतनी मजबूत क्वालिटी का आएगा। आप इसे इस तरह से पकड़ सकते हो, इसे असेंबल करना पड़ता है। नीचे वाला बास्केट बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, जरा आपको दिख ही रहा होगा वो। लेकिन इसमें आप प्याज आलू भी रख सकते हो, ये इतना हैवी ड्यूटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इसके ऊपर जो पेंट किया हुआ है काफी अच्छा है, कहीं से भी चिप्ड वगैरह नहीं है। ये था मेरा किचन का लास्ट पीस। अब बात करते हैं होम डेकोर। होम डेकोर का एक और पीस रह गया है, एक्चुअली में ये ऑर्गेनाइजेशन पीस है, वो है ये ऑर्गेनाइजेशन बास्केट। सो ये ऑर्गेनाइजेशन वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने मंगवाया था, और इसके प्राइस को सुन के मैं खुद देख के हैरान हो गई थी कि यार क्या आएगा, बेकार सा ही कुछ आएगा। लेकिन आए ये 2 बॉक्सेस, सुंदर बॉक्सेस, जिसके साथ ये इस तरह का एक कवर भी है। ये है बड़ा वाला बॉक्स, इसके अंदर है ये छोटा वाला बॉक्स। एक 3 का सेट भी होना चाहिए जिसके अंदर एक मीडियम वाला सेट भी हो, बट आई एम एब्सोल्युटली लविंग दिस। 200 something का इसका कॉस्ट था, वर्थ इट है। ये बॉक्सेस अच्छे इसलिए हैं कि इनकी क्वालिटी और फैब्रिक तो अच्छा ही है, और साथ में जो साइड में कार्डबोर्ड्स इन्होंने लगाए हैं वो भी काफी अच्छी क्वालिटी के हैं। उसके अलावा जो मैंने पहले ऑर्गेनाइजर्स लिए थे उसमें कभी भी इस तरह का बेस सपोर्ट नहीं था, इसके अंदर ये बेस सपोर्ट भी है, और ये बहुत अच्छे से फिट हो गया मेरे वार्डरोब में। जो इसकी इस तरह की लेंथ है वो एक परफेक्ट वार्डरोब के लिए है। जितने भी आपको 22-23 inches का एक वार्डरोब, बेसिक वार्डरोब होता है, उसमें परफेक्ट फिट आया। ना ही वो इस तरह से लंबा नहीं है, बाहर निकला हुआ है, ना ही वो छोटा है कि आगे की स्पेस खराब हो जाए, एकदम परफेक्ट आया उस जगह पे। हर वार्डरोब पे ये वाला होना चाहिए। जो एक चीज डिसअपॉइंटेड थी वो है ये हैंकीज, जो 120 rupees की 6 थी, मैंने अक्षय के लिए मंगवाई। अभी इसमें काफी सारा मेकअप लगा हुआ है कि मैंने, इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है इस रूम में कि मैंने कुछ इसी से पोंछ दिया है। इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा खराब है, उसमें लिखा हुआ था प्योर कॉटन, बट इसमें जो स्टार्च है वो इतना ज्यादा डरा हुआ है कि ये लाइक कॉटन हो सकता है, लेकिन बहुत गंदा मटीरियल है, बहुत कड़क सा हो रखा है। 3-4 बार धोने के बाद भी ये कितना ज्यादा कड़क है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आई चेंज माई इंस्टाग्राम हैंडल टू OTT वुमनिया। होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।